AZ screen recorder. Open drawer. Button. नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। इस चैनल के लिए मैं राजकुमार चौरसिया। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल ड्राइव क्या होता है, उसका हम यूज कैसे करते हैं, हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है। फ्रेंड्स, गूगल ड्राइव के बारे में हम जानेंगे, गूगल ड्राइव हमारे किस काम में आता है, मुझसे क्या क्या कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको गूगल ड्राइव के बारे में बता दें। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने 15 GB तक का डेटा, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटो हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो या PDF हो, कुछ भी, फ्रेंड हम 15 GB तक का डेटा, चाहे एप्लीकेशन हो, सब कुछ उसमें 15 GB तक का फ्री आपको, और बिना कोई भी पैसा खर्चा किए हुए उसमें रख सकते हैं। फ्रेंड, स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, बाद में हम चाहे जहाँ रहेंगे, बस अपने उस गूगल ड्राइव को जिस मेल आईडी से हम लॉगिन किए रहेंगे, है ना, उसका सेव कर देंगे, फिर बाद में उसी मेल आईडी को, यदि हमारा फ़ोन खो भी गया तो फ़ोन का डेटा फ़ोन में रहेगा तो फ़ोन से गायब हो जाएगा, लेकिन यदि हम अपने गूगल ड्राइव में सेव करके रख देते हैं तो बाद में यदि हमारा फ़ोन खो भी गया, हम बाद में अपने उस मेल आईडी को दूसरे फ़ोन में लॉगिन करके गूगल ड्राइव में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप 15 GB तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं बिना पैसे के। यदि आप इससे ज़्यादा गूगल ड्राइव का स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको परचेज करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसके बाद अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है आप सभी के लिए, और ये एप्लीकेशन अक्सर सभी फ़ोन में होता है, ऑलरेडी इंस्टॉल होता है सभी के फ़ोन में, ड्राइव नाम से शो करता है। गूगल प्ले स्टोर में यदि आप ढूंढेंगे तो आपको गूगल ड्राइव लिखना पड़ेगा, जैसे ही आप गूगल ड्राइव सर्च करेंगे आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर यदि आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल प्ले स्टोर से। हमने गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, सर्च बॉक्स आ गया, वॉइस सर्च और सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में मैं लिखता हूँ गूगल ड्राइव, जी यू जी ए एल गूगल डी आर आई वी ई ये फ्रेंड गूगल ड्राइव। हम सिंपली सर्च बटन पे करेंगे, सर्च कर दिया, देखिए Google Drive, Google LLC, in-app purchases, out of list. क्या बोला, Google Drive, Google LLC, Google के द्वारा है ये. Details for uninstall, button, open, button. Uninstall, open. हमने आपको पहले फ्रेंड बताया था कि ये एप्लीकेशन अक्सर फ़ोन में होता है, यदि नहीं भी होता है तो अपने फ़ोन को यदि आप फॉर्मेट करते हैं उसके बाद तो आ ही जाता है, यदि आप डिसेबल कर दिया है बाई चांस तो उसके बाद आ ही जाता है। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड है इसलिए मैं ओपन करूँगा, आप में यदि नहीं है तो आप यहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओपन पे हम डबल टैप करेंगे, ड्राइव सर्च एंड ड्राइव हमारा डायरेक्ट ओपन हो चुका है। हमारा इस मेल आईडी से पहले था वही मेल आईडी हमारा ले लिया है, यदि आपके फोन में एक से अधिक मेल आईडी पड़ी हुई है तो आप इसी में डबल टैप करके अपनी मेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं। देखिए टैप किया, अकाउंट सेटिंग, हमारे सब मेल आईडी से यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, जितने मेल आईडी हैं सब, इस तरह से यहाँ पे आप मेल आईडी पे अपना चूज कर सकते हैं, कर सकते हैं मेल आईडी, चाहे आप इसमें आराम से लॉगिन कर सकते हैं, बस आपको जिसमें से कंटेंट लेना है या जिसमें कंटेंट रखना है आप उसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लीजिए, उससे मेरा ये मेल आईडी है, बाकी अन्य सब डिफ़ॉल्ट पे नहीं है, आपको जिसका भी यूज़ करना है आप उसको डिफ़ॉल्ट रख लीजिए, उसका भी कंटेंट सामने आ जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग दिखाता हूँ, देखिए कर्सर हमारा सर्च इन ड्राइव पे है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अपने ड्राइव में कोई भी, चाहे कोई फोल्डर हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे ऑडियो वीडियो पीडीएफ कुछ भी हो, आप यहाँ से सर्च करके उसे मंगा सकते हैं। मोर नेविगेशन ऑप्शन, हम इस पर चलते हैं, पहले इसमें सेटिंग जान लेते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे गूगल ड्राइव में हम कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी अपलोड कैसे करें, उसके बाद हम गूगल ड्राइव से उसे डाउनलोड कैसे करें, फ्रेंड किसी को शेयर करना हो तो कैसे करें, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन फ्रेंड्स वीडियो जरूर देखें। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यदि आप नए मेंबर हैं तो नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, जिससे हम आपके वीडियो को और बेहतर बना सके। फ्रेंड्स, मोर नेविगेशन ऑप्शन बटन, इस पर हम डबल टैप करते हैं, आपको ऊपर ऊपर साइड में मिल गया है। देखिए, ठीक है, अभी हमारा होम पे कर्सर है, अभी आपको ये सब भी दिखाऊंगा। भाई, मैं आपको ओपन नेविगेशन बटन का दिखा देता हूँ। मोर नेविगेशन में गए, देखिए क्या बोला, गूगल ड्राइव, रिसेंट, ऑफलाइन, रिसेंट में आपको वो सभी दिखाएगा जो आप ओपन किए रहेंगे, लास्ट में वो सब शो करेगा, कुछ खास नहीं, इसको मैं छोड़ता हूँ। ऑफलाइन, ऑफलाइन में ये भी है, आप जो भी चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो, यदि ऑफलाइन सेव कर देंगे तो आप ऑफलाइन यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा ऑफलाइन सेव कैसे होगा। ट्रैश, फ्रेंड ट्रैश ये है रिसाइकल पिन, जैसे आप गूगल ड्राइव में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आप उसको जब वहाँ से रिमूव करेंगे तो ये आपका रिमूव्ड हो तो जाएगा वहाँ से, लेकिन ये रिसाइकल पिन में आके रह जाएगा। यदि आप जब तक यहाँ से डिलीट करेंगे तब तक हमेशा के लिए वो नहीं डिलीट होगा, रिसाइकल पिन में रहेगा तो 28 दिन तक रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रैश में से डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रैश में डबल टैप किया, देखिए क्या होता है, आइटम जो भी होगा 30 दिन में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, नथिंग इन ट्रैश, ठीक बता रहा, मूव करेंगे आप जो भी इसमें आ जाएगा ट्रैश में, 30 दिन में इसमें से डिलीट होगा। ठीक, ये था देखिए बैकअप वगैरह, आप यहाँ से जो भी अपने है सब कुछ बैकअप कर सकते हैं, जो बैकअप किए हैं यहाँ से देख भी सकते हैं इसमें से, सिंपली देखिए। Your device is not backed up. Backups keep your stuff secure and make switching devices easy. Start backing up. Yahan se aap apna data device ka backup bhi kar sakte hain, theek? WhatsApp. 917,309,421,741. Backup last backup February. Jaise WhatsApp ka backup karte to bhi dikhata, dekhiye maine WhatsApp ka backup kiya last 10 February ka hai, wo dikha raha hai. Is tarah se aap yahan pe backup yahan se kar bhi sakte hain, dekh bhi sakte hain. Storage 3.0. Help and feedback settings. सेटिंग का अगला ऑप्शन हमारा सेटिंग है फ्रेंड्स, तो हम आपको सेटिंग का सिंपली दिखा देते हैं करके, हम सेटिंग पे डबल टैप करेंगे, सेटिंग्स, नेविगेट अप बटन, हमारा सेटिंग ओपन हो गया फ्रेंड्स का, सेटिंग्स, देखिए क्या क्या स्टोरेज, हेडिंग इन लिस्ट, स्टोरेज 3.0 जीबी अप 15.0 जीबी यूज्ड, ठीक देखिए हमारा 15 जीबी का है, ठीक है हमारा कितना इसमें बचा है, 15 जीबी हमने सब यूज कर लिया, 3.2 GB लगभग बचा हुआ है, बाकी मैंने सब यूज कर लिया है, ये मैंने बता रहा है, ठीक है। 3.0 GB 15.0 GB used. सॉरी फ्रेंड, ये 15 जीबी का है, मैं यहाँ पे मैंने 3.0 GB यूज किया, बाकी मेरा इसका में खाली है, ठीक है ये बता रहा है। अपग्रेड स्टोरेज, यदि आप स्टोरेज को 15 जीबी से बढ़ा के परचेज करके और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपग्रेड भी कर सकते हैं। देखिए अब डबल टैप करेंगे, Google One support services may be impacted due to the COVID. -19. Situation. In the meantime, please visit gcocovid. -19. Google One. Current storage. 3.03. GB up. 50. Google Drive. 2.96. GB. अब ये बता आप कितना लेना चाहते हैं, 0.06 GB, कितना कितना जीमेल के लिए है, कितना है गूगल फोटो के लिए कितना मिलता है, क्या बोला, अपग्रेड टू गूगल फॉर मर मोर स्टोरेज, ठीक सर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, देखिए आपने दिया 15 GB ऑलरेडी फ्री आता है, देखिए करंट प्लान हमारा यहाँ पे डिसेबल है, ठीक 100 GB का भी रेकमेंड कर सकते हैं यहाँ से, 130 मंथ, ये कितने दिन के लिए होगा, 130 मंथ, 130 मंथ के लिए, 100 GB 130 मंथ, ये आपको ये लेना है 130 मंथ वाला, ठीक है 100 GB वाला, तो आप इसमें डबल टैप करेंगे, लिखिए अपग्रेड 100 GB 1300 ठीक,
कितने देखिए 1300 ईयर के लिए है ये। Google One includes 1300 year save 260 button 260 Google One includes implement करना पड़ेगा 100 GB storage ठीक navigate up button storage इससे आप खरीद सकते हैं इतने दिन के लिए settings upgrade storage auto backup for apps आपको लिखा तो दिया auto backup for apps backup and reset backup settings for your device यहाँ से आप बैकअप कर सकते हैं यहाँ से भी और रीसेट भी कर सकते हैं जो बैकअप हो वगैरह डिलीट भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग्स यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग वगैरह को आप ऑन कर सकते हैं कि आप जब कोई अपलोड करें नोटिफिकेशन शो करेगा जिसमें आपको दिखा देता हूँ ऑन है आपके डिवाइस में जितनी भी ईमेल आईडी लॉग इन होगी सबका यहाँ पे आप फोन देगा सबका नोटिफिकेशन ऑन है। नहीं देखिए क्या नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ऑन है रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस ठीक। यदि आपने फ्रेंड को अपने इस गूगल ड्राइव से कोई नोट्स वगैरह भेजते हैं उसकी लिंक भेजते हैं तो उसको एक्सेस कर पाए कि ना कर पाए यदि नहीं कर पाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाना है ठीक। देखिए ऑन है कमेंट और आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट हो या वीडियो हो उनको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करना चाहें कुछ सुझाव देना चाहें तो भी उसका नोटिफिकेशन देखिए ऑन है आप ऑन है आप अपने अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं ठीक। अपलोड एंड डाउनलोड चाहे हम कुछ भी अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव में या डाउनलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन ऑन है ठीक। यदि हम किसी को शेयर करते हैं कोई भी आइटम ठीक है उसका बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन है शेयर आइटम का भी। अब मेरी दूसरी ईमेल आईडी आ गई इस तरह से आप जितने भी ईमेल आईडी लॉग इन किए रहेंगे अपने फोन में सब मेरी आईडी यहाँ पे शो करेगा स्टेप बाय स्टेप सबका नोटिफिकेशन शो करेगा। बैक कर लेते हैं थीम सिस्टम डिफॉल्ट थीम वगैरह पूछ रहा है डिफॉल्ट पे है आप फॉरवर्ड साथ रख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स कैश हेडिंग डॉक्यूमेंट कैश क्लियर कैश रिमूव ऑल कैश डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आप डॉक्यूमेंट रखें उसमें यदि कोई कैश वगैरह है तो आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। कैश साइज इज सेट टू 250 MB देखिए जो कैश साइज है अधिक से अधिक आप 250 MB तक का सेट करके रख सकते हैं। डेटा यूसेज हेडिंग आगे देखिए दिया है डेटा यूसेज नीचे कैश साइज कैश डेटा यूसेज ट्रांसफर फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई अपलोडिंग एंड अपडेटिंग ऑफ फाइल्स विल कॉज व्हेन वाईफाई कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन स्विच क्या दे रहा है ट्रांसफर फॉर ओनली वाईफाई ठीक है आप कुछ भी इसमें ट्रांसफर करेंगे या अपलोड करेंगे तो सिर्फ केवल वाईफाई से हो ठीक है ये ऑन है इसको आपको ऑफ कर देना देखिए तो हम कुछ भी अपलोड करेंगे चाहे अपडेट करेंगे तो ये वाईफाई रहेगा तभी होगा नहीं होगा तो नहीं होगा तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। Data usage warning. Transferring files over mobile data may incur additional charges. क्या बता रहा है? यदि आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका मोबाइल डेटा यूज होगा आपके प्लान के अनुसार ठीक cancel. Okay. मैं ओके पर डबल टैप कर देता हूं देखिए आप files only over wifi. Uploading and updating of files will cause when wifi connection isn't available. Switch. आपको क्या है? कि इतना सेटिंग में था सेटिंग में कुछ खास नहीं था you uploaded in the past year in list signed in as Raj Kumar search in files tab shared signed in as Raj Kumar Chori more navigation options इसमें एक ऑप्शन था बाय उस देखिए सेटिंग के आगे हेल्प एंड फीडबैक भी है आप यहां से फीडबैक करवा दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहां हेल्प ले सकते हैं। स्टोरेज 3.0 GB यहां से भी आप स्टोरेज को क्लिक कर सकते हैं बाहर से भी इतना ऑप्शन था फ्रेंड। मोर नेविगेशन ऑप्शंस बटन अब देखिए हमारे कर्सर आपको नीचे साइड में दो तीन ऑप्शन मिलेगा क्लिक शेयर स्टार्ट होम होम पे एडिट कर्सर होता है तो होम में आपको वही शो करेगा कि आप जो भी अपलोड किए रहेंगे आपका लास्ट वीक या मंथ की तारीख के हिसाब से होगा ये देखिए ये आप जो भी कुछ ओपन किए रहेंगे कब ओपन किए हैं किस ईयर में वो भी शो करेंगे। देखिए होम पे कर्सर रहता है यदि आप स्टार्ट पे आपका रहेगा स्टार्ट पे डबल टैप करते हैं जैसे व्हाट्सएप पे होता है टेलीग्राम पे होता है आप मैसेज को स्टार्ट करके रख देते हैं उसी तरह आप इसको भी यहाँ पे स्टार्ट करके रख देंगे आपका जो भी स्टार्ट के रहेंगे आप यहाँ पे शो करेंगे देखिए। नो स्टार्ट फाइल्स आउट ऑफ लिस्ट क्या बोला नो स्टार्ट फाइल यहाँ पे हमने कोई फाइल स्टार्ट करके नहीं रखा है इसलिए नहीं शो कर रहा है ठीक है तो आप इस तरह से स्टार्ट करके रख सकते हैं। सेलेक्टेड स्टार्ट टैब शेयर टैब शेयर अगर नीचे हमारा आंसर कर्सर है शेयर का यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स आप जो भी शेयर किए होंगे किसी को भी अपने किसी फ्रेंड को चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कहीं भी वो आपको यहाँ पे शो कर जैसे देखिए शेयर सेलेक्टेड शेयर पे हमने सेलेक्ट किया टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूजफुल एप्लीकेशंस फोल्डर शेयर रो 3 कॉलम 1 इन ग्रिड 8 रोस 2 कॉलम्स चाहे आप किसी को शेयर किए रहेंगे चाहे आपको कोई किया रहेगा सॉर्ट बाय नोटिफिक कलेक्ट स्टॉप पॉज ड्राइव सेलेक्टेड शेयर टैब 3 अप इन लिस्ट 4 आइटम्स
फ्रेंड्स, हम आपको शेयर का बता रहे थे, हम शेयर पे टैप करेंगे, चाहे हम किसी को शेयर किए होंगे या हमारे फ्रेंड ने अगले ने किसी को हमको कोई शेयर किया होगा, यहाँ पे सब कुछ शो करेगा, सब फाइल शो करेगी। देखिए मैंने 2001 2103 1744 हम इस पे देखते हैं क्या है। फाइल पे डबल टैप करेंगे, देखिए फाइल आपके फ़ोन में जितने भी फाइल वगैरह बनी रहेंगी वो सभी शो करेंगी। ठीक है, मैंने अपने फ़ोन में अभी तक इस ड्राइव में कोई फोल्डर नहीं बनाया, सिर्फ माई ड्राइव ऑलरेडी इसका जो फोल्डर होता है वो फोल्डर है। देखिए यहाँ पे फाइल में आप जो भी कुछ अपलोड किए रहेंगे वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। देखिए कुछ एप्लीकेशन वगैरह है यहाँ पे सब अपलोडेड है, सब यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से हम इसका देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से ऊपर आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है, राइट कॉर्नर के बगल कंप्यूटर दिया है, माय ड्राइव दिया है, आपका कंप्यूटर में वो सब कुछ शो करेगा जो आप कंप्यूटर से इसको ड्राइव को जोड़ के कुछ इसमें भेजे होंगे, उसका कंप्यूटर में मिलेगा। हमने कंप्यूटर से कुछ भेजा नहीं है, वो नहीं हमारे लिए मिलेगा। माय ड्राइव पहले ही सिलेक्ट है, फाइल बाय नेम आप इसमें करके नेम या डेट के अनुसार शो कर सकते हैं, आपकी फाइल नेम के अनुसार मिलेंगी या डेट के अनुसार करेंगे, डेट के अनुसार मिलेंगी, जिस अनुसार आप चाहें कर सकते हैं। इसके बगल में एक ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क्रिएट, हम इस पर डबल टैप करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। डबल टैप किया, क्रिएट न्यू, पहला ऑप्शन बोला इसमें क्रिएट न्यू, आगे दे रहा है फोल्डर, आप इस पर डबल टैप करके आप फोल्डर बना सकते हैं गूगल ड्राइव में। अपलोड दूसरा ऑप्शन है अपलोड का, पर मैं आपको फोल्डर बना दिखाया था, डबल टैप किया फोल्डर पे, न्यू फोल्डर बोला, अनटाइटल्ड फोल्डर बोला क्योंकि कोई टाइटल नहीं फॉर्म का। मैं बैक स्पेस करके इसको डिलीट कर दूंगा, मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम डालता हूँ राज डाल दिया, क्रिएट डबल टैप करूँगा हमारा फोल्डर बन जाएगा। क्या बोला, फोल्डर क्रिएटेड, देखिए हमारा यहाँ फोल्डर बन फोल्डर अपलोड करने का फ्रेंड दो ऑप्शन है, या तो आप चाहें तो अपने माई फाइल या फाइल मैनेजर से जाके कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से लाके मैं आपको दोनों प्रक्रिया भी बताऊँगा अपलोड करने का, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, लास्ट में आपको अपलोड करने का दिखाऊंगा, पहले यहाँ से देखिए कैसे अपलोड करना दिखाता हूँ। डबल टैप किया अपलोड पे, सेलेक्ट किया लॉन्ग प्रेस करके, आपको ऊपर बटन मिल रहा है सेलेक्ट, आप जैसे इसकी डबल टैप करेंगे सेलेक्ट पे माय गूगल ड्राइव आ जाएगा। देखिए Allow drive to access photos and media on your device. Allow button. Allow करने के लिए मांग रहा है, हम allow कर देंगे. Alert preparing to upload. File. Your. File is being uploaded to my drive. Drive. क्या बोला? Button. Preparing to uploaded. ठीक है, ये आपकी my file में आपके गूगल ड्राइव में अपलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाएगा भैया। अपलोडिंग RKPDF PDF आपको दिखा रहा है, इस तरह से यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, अपने माई फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। दोबारा हम जाएंगे, अपलोड के बाद ऑप्शन आ गया है स्कैन, आप यहाँ से स्कैन पर डबल टैप करके अपने कैमरे से किसी पीडीएफ का किसी को जो भी नोट वगैरह कुछ भी हो किसी का आप फोटो वगैरह यहाँ से भी खींच कर
आप ले सकते हैं, यहाँ से पिक्चर लेके आप अपलोड कर सकते हैं गूगल डॉक्स। अब जैसे गूगल डॉक्स हो या गूगल स्लाइड्स हो, गूगल शीट्स हो, या एप्लीकेशन में यदि आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, कोई भी नोट्स लिखते हैं, तो आप इन एप्लीकेशन में से भी जाके डायरेक्ट अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, ये तीन ऑप्शन हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ का इसका पूरा यूज बता दिया। अब आपको लास्ट ऑप्शन दिखाना है कि गूगल ड्राइव में कुछ भी अपलोड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको गूगल ड्राइव से दिखाई दिया, आपको माई फाइल से दिखा देता हूँ कैसे अपलोड होगा। सेम देखिए, इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा अपलोड हो चुका है वो। हम जो अपलोड कर रहे थे हमारा अपलोड हो चुका है। लास्ट में यहाँ पे राज नाम से, आर के नाम से गया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे अल्फाबेट के अनुसार जाएगा, अपलोड हो चुका है ये हमारा मिल रहा फ्रेंड। इस तरह से हम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको चलता हूँ आपको माई फाइल में दिखाता हूँ वहाँ से कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। My फाइल में अपने पहुंच चुके हैं फ्रेंड। My file, internal storage, audio lab, office, app back, as recorder free, call, DCIM, documents, August, download, August, download folder में आते हैं, show data PDF, show data PDF, show data PDF, computer shortcut keys, com, app, say info, com, एक एप्लीकेशन को हमने सिलेक्ट किया कंप्यूटर शॉर्टकट की करके। आगे ऊपर आपको यहाँ शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, डिलीट शेयर सिलेक्टेड आइटम्स, शेयर हम इस पर डबल टैप करेंगे। Complete action using computer shortcut keys com app say info computer shortcut keys आपको ढूंढना है save drive करके आप सामने मिलेगा। Link sharing my drive मिला, आप उसमें टैप करें save to drive, डबल टैप किया। English us QWERTY keyboard shown save to drive editing computer shortcut keys com app say info computer shortcut keys apk edit box जो आप शेयर कर रहे थे उसका नाम है। आप चाहे जहाँ से नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं उसका। अकाउंट ड्रॉप डाउन लिस्ट राजकुमार करेसिया 44767@gmail.com। यहाँ पे आपकी मेल आईडी शो कर रही है। यदि आपके फोन में एक से अधिक मेल आईडी है, आप ट्वेल्व पे चाहते हैं डालना, तो आप इस पर करके टैप करके ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट इस पर डबल टैप करके अपना दूसरा मेल आईडी यहाँ से कर सकते हैं। My drive, click to change. My drive भी है, यदि आप चाहें चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके आपको दिखाता हूँ। Keyboard hidden, drive. ठीक। My drive, select destination, create new folder. Create new folder. View as list, Raj folder, row. Raj folder में double tap करता हूँ। Raj, select destination, create new folder. This folder, cancel, this folder is empty. ये क्या बता रहा है, this folder is empty, cancel, select पर हम double tap करेंगे। Save to drive, Raj. Click to change. देखिए हमारा राज फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। Cancel. Cancel. Save. Save. जैसे हम सेव पे करेंगे हमारा अपलोड होने लगेगा। सेव डबल टैप किया। Alert preparing to upload. File. Your file is being uploaded to Raj. My files. क्या बोला? Your one file is uploaded to Raj. Raj नाम के फोल्डर में जो हमने बनाया था अभी, उसमें हमारा अपलोड हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। Computer shortcut keys. Edu. 101 and 100. Back. नोटिफिकेशन भी आपको शो करेगा। On UI home, my file. नोटिफिकेशन में आपको मैं दिखाता हूँ। Note media collapse. Do not disturb turned on. System UI drive. Silent collapse. Silent notification collapse. Uploaded. File drive. Rajkumar Karasiya. नोटिफिकेशन से अपलोड हो चुका है। मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। Geo. Click. Google Drive में चलते हैं। वहाँ दिखाता हूँ। On UI home, my computer shortcut keys. Drive. Drive में ओपन किया drive हमने. Drive. Search in drive. Raj folder. Row. Two. Raj folder पर double tap करेंगे। Raj. हमारा यहाँ पे ये आ चुका है, अपलोड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से डाउनलोड कैसे करना है। लास्ट ऑप्शन हमारा था डाउनलोड का, क्योंकि हमने अपलोड का देख लिया। इस तरह से आप अपने फाइल मैनेजर या माई फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं और गूगल ड्राइव में डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं। More actions for create button out of grid home tab create more actions for computer back कोई भी एक एप्लीकेशन हम खोल लेते हैं। Android accessible Raj folder, row 2, ND Unitas, Android accessibility, ND Unitas, 101, PDF, row 2. मैं इसे खोलता हूँ, राज वाले फोल्डर में जाता हूँ जो हमने अभी अपलोड किया है। Raj folder, column 1, Amazon and Amazon M4, Amazon and more actions, any desk P, 6, 1, more, any desk P, more actions for any desk P, app backup and share pro V, आपको दिखाना भी है, audio lab, control, auto TTS, back camera selfie pro V,
Back camera selfie confu ni. More actions for back camera selfie confu Nico back camera selfie. Minus. More actions for add backup and share profile. Any desk key. Six. इसी को मैं सेट करता हूँ. Any desk key. Six. पहला बोला any desk आगे. More actions for any desk. More option. ठीक है. Any desk key. Six. One. Two. Manage people and links. क्या बोला manage people and link. ठीक. आप यहाँ से लिंक को मैनेज कर सकते हैं कि आप किसको किसको से भेजना है. डबल टैप करेंगे हम दिखा देता आपको. डबल टैप किया मैनेज पीपल एंड लिंक पे ओपन हो रहा फ्रेंड्स विश हाँ, क्या बोला हु हैज एक्सेस कि आपके इस लिंक को कौन कौन एक्सेस कर सकता है. आपके आगे आगे यहाँ शेयर दिया आप यहाँ पे से शेयर करके डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं. ऑनर मेरे द्वारा बनाया गया क्योंकि मैं अपलोड किया हूँ तो यहाँ पे मेरा शो करा नाम Link settings, auto link, list, setting. copy link, button. यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं. Restricted, only people added can open with this link. https://change. जो हमारे पर्सन होंगे, जो हमारे कॉन्टेक्ट होंगे, वही सिर्फ लिंक को देख सकते हैं. तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. Change. चेंज करेंगे. Link setting, copy link, restricted. Copy, restricted. Link, copy, restricted. Copy link, out of list. ये जो कि इसमें होता है, इसलिए नहीं आ रहा आप अगला आपका. Copy link, restricted. Copy link, out of list, restricted, only people added. Back, who has access? चेंज पकाने में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. Change, restricted, only. इस पे डबल टैप करेंगे जो बोला restricted only people. Link setting, copy link, restricted. फिर देखिए आपने फ्रेंड नहीं आ पा रहा थोड़ा सा इशू चल रहा है. आपको यहाँ पे दिखाएगा कि only viewer anyone can search and download. ठीक है इस तरह से करके देगा. एनी वन कैन सर्च एंड डाउनलोड इंटरनेट. ठीक है एनी वन लोग इंटरनेट की सहायता लेके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. दिखाता है मैं दिखाता हूँ लिखा नहीं गया यहाँ पे. देखिए फ्रेंड हाँ रिस्ट्रिक्टेड पे हमने फिर से डबल टैप किया तब यहाँ पे खुल गया. देखिए क्या बोला रिस्ट्रिक्टेड पे वहाँ सेलेक्ट. ठीक एनी वन विद द लिंक कि कोई भी व्यक्ति हो हम लिंक के साथ डाउनलोड कर सकता है. ठीक है आप इस पे सेलेक्ट कर देंगे जिस पे एप्लीकेशन को आपको भेजना है अपने फ्रेंड को. आप उसको यहाँ पे आके मोर ऑप्शन में मिलेगा. आप पहले मिलेगा पीपल एंड मैनेज लिंक करके उस पे आप आके इस तरह से कर सकते हैं. एनीवन लोग कोई भी इस लिंक से कॉपी करके यहाँ से लिंक आप भेजेंगे इंटरनेट से ऑन करके उसे देख सकते हैं. इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं. आप शेयर भी करके हाँ मेरा भी डाल के शेयर कर सकते हैं. शेयर का फोन दिया शेयर का फोन दिया क्या बोला ऐड पीपल एंड लिंक. आप ईमेल वगैरह डाल के अपने फ्रेंड का सेंड कर सकते हैं यहाँ डायरेक्ट. Add people or groups. Edit box. यहाँ इसमें डालेंगे. Dismiss. Share. More options. Add collaborator. Add people or group. Add more options. Who has access? In list. Don't notify people. मोर ऑप्शन भी यही दिया है कि कौन कौन लोग देख सकते हैं. तो आप यहाँ पर डालेंगे आपको भेजने का ऑप्शन देगा. इस तरह से आप किसी को अपने मेल पे उनके भेज सकते हैं. ठीक फिर से मैंने मोर ऑप्शन ओपन किया. ऐड टू स्टार्ट मैंने जैसे व्हाट्सएप मिला था कि स्टार मैसेज वाला होता है यदि आप यहाँ पे कर देंगे ऐड टू स्टार्ट में जोड़ देंगे तो आपको वहाँ पे शो करेगा स्टार लिस्ट में. आप नीचे स्टार्ट का ऑप्शन था शेयर के बगल में वहाँ पे शो करेगा. Make available offline. यदि आप इसको इस पर डबल टैप करके एप्लीकेशन को या किसी पी डी एफ को ऑफलाइन कर देंगे तो हमने आपको ऑप्शन दिखाया था ओपन नेविगेशन बटन में वहाँ पे एक ऑप्शन ऑफलाइन का था वहाँ पे शो करेगा फ्रेंड्स. इस तरह से कॉपी लिंक यहाँ से भी आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं किसी को. जैसे मैं इन इंडेक्स खोला हूँ इसका भी आप लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट. मेक कॉपी ठीक आप यहाँ से भी कॉपी करके किसी को भेज सकते हैं. मेक कॉपी से भी सेंड अ कॉपी. ठीक है मैं कॉपी में आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है. ड्राइव कैंसिल बट चूज अ लोकेशन माय ड्राइव इन लिस्ट कंप्यूटर्स शेयर्ड विद मी. जिसको भेजना है आपको यहाँ पे देखिए कैंसिल बटन सेलेक्ट बटन. ठीक है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए भेज दीजिए यहाँ से भी. ड्राइव मोर एक्शंस फॉर एनी डेस्क बी एनी एड जस्ट मेक अ कॉपी लिंक मेक अ कॉपी सेंड अ कॉपी. अब सेंड अ कॉपी बोला. ठीक यहाँ से भी आप सेंड कर सकते हैं किसी को. कंप्लीट एक्शन यूजिंग एनी डेस्क देखिए सब ऑप्शन देगा. आप सेंड डायरेक्ट यहाँ से भेज सकते हैं पूरा व्हाट्सएप वगैरह सब ऑप्शन देगा. ड्राइव मोर एक्शंस फॉर एनी डेस्क बी सेंड कॉपी पे आप करेंगे तो सब ऑप्शन देगा. सेंड अ कॉपी. अब यहाँ से ऑप्शन दिया ओपन विद. आप यहाँ से एप्लीकेशन को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं. अच्छा बाहर ऑप्शन बोल रहा था उसमें डबल टैप करके ओपन कर सकते हैं. वहाँ से आपको एक ही कोई ऑप्शन नहीं देगा ओपन के लिए डायरेक्ट ओपन होने लगेगा. यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करने का जो जो ऑप्शन आपके फ़ोन में होगा वो ऑप्शन देगा ओपन करने के लिए. यहाँ से ओपन कर सकते हैं. अगला ऑप्शन दिया है डाउनलोड का. आप इस पर डबल टैप करेंगे सिंपली आपका डाउनलोड होने लगेगा. मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा.
रीनेम, यहाँ से आप इस एप्लीकेशन का नाम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं इसे डबल टैप करके। ऐड शॉर्टकट, आप यहाँ से इसका शॉर्टकट ड्राइव में ऐड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का। मूव, आप इसको यहाँ से मूव करके किसी और फोल्डर में यदि रखना चाहते हैं, जैसे आदमी से हटा के कोई और फोल्डर बनाया तो उसमें डायरेक्ट यहाँ से मूव करके रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे डिटेल एंड एक्टिविटी, आप इस पर करके इसका डिटेल वगैरह देख सकते हैं, कितने बीघा कितने साइज का है, कब आपने अपलोड किया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, क्योंकि और सब तो आप बाहर से मैंने आपको बता दिया, आप क्लिक करके समझ जाएंगे। एंड्रॉइड ऐप कौन सा ऐप है बता रहा है। लोकेशन माय ड्राइव, लोकेशन ये कहाँ पे है, माय ड्राइव में है। ठीक, साइज 14.8 MB, साइज 14 MB का है इसका। स्टोरेज यूज 14.8 MB, स्टोरेज हमारा 14 MB लिया है बता रहा है। देखिए जनवरी 13 जनवरी को हमने इसमें अपलोड किया था। मॉडिफाई मैंने इसको कब किया, ओपन अभी किया ना, अब मेरे द्वारा वेरीफाई किया गया है लोगों के साथ में। एक्सेस में आपको मिला है एक्टिविटी। राजकुमार चौरसिया 207 शेयर दिस फाइल हेडिंग। ठीक, मैं इसे किसी जगह से शेयर कर सकता हूँ। राजकुमार चौरसिया जैन 13 अपलोडेड दिस फाइल हेडिंग। मैंने 13 तारीख को किया वो बता रहा है। नो रिकॉर्डेड एक्टिविटी बिफोर जनवरी 13 2021, कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं है इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ट्राई मोर एक्शंस फॉर आप चाहते हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया, आप चाहते हैं कि ना रहे, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, आप रिमूव पर सिंपली डबल टैप करेंगे, आपका वो एप्लीकेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन ट्रैश हमने आप जो आपको बताया था ट्रैश में रिसाइकल पिन में वो रहेगा, जब तक आप वहाँ से जाके नहीं डिलीट करेंगे परमानेंटली तब तक ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आपका हट जाएगा, माय ड्राइव से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे आप रिमूव कर सकते हैं। यदि आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, गूगल ड्राइव से कोई प्रॉब्लम, तो आप यहाँ से रिपोर्ट दे सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी चीज़ को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू। एनी डस्ट बी 6 नोटिफिकेशन कलेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब टर्न ऑन।